उतर अब। क्यों? हाँ। और जो केदारनाला ब्लॉग से गाइस ये खाली शो ऑफ करता है, ये कुछ काम नहीं करता है। और आलू प्याज भी ले लेना पड़ा है। वो 2 किलो और कुछ बता जी। शॉपिंग फ्री, सब्जी खरीदारी चल रही है जोर शोर से। मोल भाव तो किया ही नहीं आपने, जो कहते हैं कि भाई 40 की, आपने कहा 35 लगाओ, फिर कहते हैं ना भैया 38। मोल भाव का कैसे जाएगा, कैसे बुला लेगा मुझे। पकड़ लो, बस पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, दो पकड़ लो। फटेगा तो नहीं है, पक्का नहीं फटेगी। चलो जी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल केतन नौला व्लॉग्स। तो यार गुड मॉर्निंग सिर्फ नाम की गुड मॉर्निंग है, नहीं तो यार अभी 3 बजने गए और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, शूट मतलब, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत सारे काम करे हैं सुबह से, क्योंकि आज बहुत खास लोग आने वाले हैं, खास इन द सेंस दिल के खास। तो यार सुबह से उन्हीं के लिए भागदौड़ी होने में लगी है, और वो कौन लोग हैं पता चलेगा, थामा सब पता चलेगा, लेकिन यार थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी खाना खा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे तसल्ली से, आराम से, ठीक है। चलो जी। तो यार सुबह से मैंने कहा था कि कोई आने वाला है, उसके लिए पूरी तैयारी भी जोर शोरों पे थी, और हाँ आपको मिलाता हूँ उनसे, वो कौन है, और वेलकम ज़रूर करना, ठीक है। चलो जी। हेलो, ये इनसे मिलिए। लक्ष्यु हेलो बोलो। हेलो तो बोल दो। हाँ हेलो बोल दो एक बार। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? कैसे अभी सो के उठी लक्ष्यु? बाकी ये है हमारी दीदी। हेलो, कैसा लग रहा है फिर आपको? हाँ, बहुत। और आपकी खरीदारी में कोई कमी नहीं? बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ। सुबह से मैंने बहुत मेहनत करी है। हाँ। ठीक है लक्ष्य, आप भी तो वो हाय बोलो। मेहनत दिख रही है आपकी। मेहनत दिखी? हाँ। चलो खुशी है हमें इस बात की। ये क्यों रो रही है इतना? अभी सो के उठी है ना वो, तब वो हो रही है परेशान। चलो कोई नहीं यार, देखो बच्चे परेशान हो ही जाते हैं, और गर्मी भी तो बहुत हो रही है, क्या था इस वजह से भी हो रही हो? चिड़चिड़ी हो रही है, फिर सोके उठ के बच्चा ऐसा होता ही है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते थे अपने बचपन में। आपको याद है कैसे हमें अपने बचपन की बातें याद रहती है ना। अच्छा चले, कौन आया? कौन है बेटा, क्या है वो? डॉगी कहाँ है? डॉगी कैसे करता है बताओ, कैसा करता है डॉगी कैसे करता बेटा? और गाइस ये हमारे जिया जी, हाय तो करो। हेलो, हाय। ये गाइस अभी सारे नए नए खिलाड़ी हैं, इनको जरा अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। गाइस बाद में हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। खाली कहने की बातें होती हैं गाइस, सब कहते हैं नो नो, लेकिन यार मनी मन सबको चाहिए होता है, सच बताओ चाहिए नहीं चाहिए? सामान पोटली तैयार है इनकी, देखो। इसको पकड़ो। अरे भैया मुझे, अरे पकड़ो यार गाइस, पहले दुपट्टा वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हैप्पी होली। अरे हो गया भैया, नहीं अरे भैया, आपको भी हैप्पी होली। थैंक यू। हाँ लगा लो बस, और लगा लो। दिक्कत है ही नहीं ब्रो। ये लो हैप्पी होली बेटू। कहाँ गई मम्मा? मम्मा गो। ठीक लगा भैया। जी हैप्पी होली। गाइस नकाबपोश आ चुके हैं, 2 नकाबपोश। लक्ष्यु इसकी आँख दिखा दे थोड़ी सी। आँख को भैया दी। अब भाई तो कहते दीदी। भाई बोल दो बेटू। भाई। अच्छे से भाई बोलो। गाइस कितना अच्छा हेलमेट है, देखो ऐसा किसी के पास नहीं होगा, और चाहिए भी नहीं गाइस किसी को। यहाँ पर टॉर्च लगा दूंगा। तो फाइनली यार दी चली गई है, और हाँ आज का दिन यार बहुत स्पेशल था, बिकॉज दी आज बहुत टाइम बाद आई थी। उसका रीज़न यार यही था कि दी रहती है आउट ऑफ स्टेशन, जिस वजह से यार डेली आना जाना होता नहीं है,
बाकी यार अभी घर चलते हैं और जो हमने बनाया था आइटम्स उन्हें खाते हैं। बिकॉज आपको पता होना चाहिए यार, देखो जब मेहमान जाते हैं ना, मतलब दी तो वैसे नहीं है मेहमान, बट समझ लो, देखो जब कोई गेस्ट आते हैं ना तो उसके बाद जो खाना बचता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो गाइस एक तो हमने इवनिंग वॉक कर ली है और दूसरी हमारी इवनिंग वॉक होने वाली है हमारी स्कूटी में, मतलब इवनिंग राइड। क्यों बड़ी ओके। बाकी इसमें यार भी बहुत से लोग सवार है जो हम दिखा नहीं पाएंगे। अच्छा, और ये देखिए और कोई आए ना है, लेकिन ये जरूर आता है, ये है हमारा असली बाशिंदा। ओके, उत्तराखंड का असली बाशिंदा है ये। पकड़ दो कैमरा, पकड़ दो गाइस, ये देखिए आप देख रहे होंगे हरियाली, ऐसी कड़क कड़क धूप में, कड़क धूप में आपको ऐसी हरियाली कहाँ मिलेगी। केतन नौला ब्लॉग चश्मा हमने पहना है, पावर भी है उसमें 2.75। क्लोज एनकाउंटर था गाइस, बहुत क्लोज एनकाउंटर था गाइस। कंटेंट है गाइस, आज कंटेंट की बारिश हो रही है गाइस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो गाइस, यहाँ मूरे मच्छर आ रहे हैं, हमको अपनी राइड रोकनी पड़ेगी। सॉरी गाइस यार, मूरे मच्छर उतर क्यों गाइस। यार मुझे बहुत अफसोस के संग कहना पड़ रहा है कि मुझे आज की राइड कैंसिल करनी पड़ेगी, बिकॉज यार मूरे मच्छर इतने जा रहे हैं कि स्कूटी राइड करने ही नहीं दे रहे हैं, आंखों में घुस जा रहे हैं। एक तो अभी तक आंखों में है। क्लोज कैमरा, क्लोज करो गाइस। सॉरी मैं इससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यार आंखों में जा रहा, तो यार बहुत चरी पड़ रही गाइस यार। चलो मैं बाय, घर पहुँच के बात करते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। गाँव के नज़ारे, हम तो ऐसे मॉडर्न गाँव में रहते ना गाइस, यहाँ सब मिलेगा आपको फैसिलिटीज और क्या, ऑर्गेनिक फसलें, और जिनकी है नई नस्लें। क्या गुस्सा, मूरा 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 ये खाली शो ऑफ करता है, ये कुछ काम नहीं करता है, ये ऊपर ही ऊपर मलाई खाता है, मलाई खाता है, क्रीमी लेयर दिखाता है गाइस आपको, जो पीछे बाशिंदे मेहनत करते हैं उनको नहीं दिखाता है। और यार आंखों में अभी तक यार मूरा घुसा हुआ है, इतनी बाथरूम कर दी ना इसने मेरी आंखों में, आज ये खुले में शौच करने के बड़े आदी हैं यार, आंखों में ना ये जलन पैदा कर रहे हैं, तो पहले तो इन्हें साफ करते हैं। एक तो रंग हाथों में लगाया यार। तो यार जो आज का दिन था वो बहुत स्पेशल था, बिकॉज आज दी आई थी, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई थी, एंड यार आप लोगों को भी मिलकर अच्छा लगा होगा। और हाँ, अभी मैंने मार्केट जाना है तो यार टाइम बिल्कुल नहीं है शूट करने का, तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सी यू सून।